हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रैंड स्लैम टेनिस 2021। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक नंबर के जरूर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो देखेंगे कौन कौन से ग्रैंड स्लैम टेनिस होते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस यानी अमेरिकन ओपन। तो ये आपको सीरियल नंबर से याद करना है, क्योंकि कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछे दिया जाता है कि ग्रैंड स्लैम जो टेनिस होता है उसको सीरियल नंबर से समझाना है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। तो इसको आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और ओपन। उसके बाद देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच, विंबलडन, यूएस में कौन कौन से पुरुष विजेता है। तो देखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात किया जाए, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता में पुरुष की बात किया जाए तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच है, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। तो इसको भी याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात किया जाए तो पुरुष में नोवाक जोकोविच, वहीं महिला की बात किया जाए नोआमी ओसाका, ये जापान के रहने वाली। नोआमी ओसाका कहाँ की है? जापान की है। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के है, इसको आप याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष नोवाक जोकोविच, महिला में नोआमी ओसाका, तो इसको आपको याद रखना है, ये सर्बिया का है, जापान का है। उसके बाद बात किया जाए फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन में पुरुष की बात किया जाए तो ये भी नोवाक जोकोविच है, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। तो फ्रेंच और ओपन में हो गया नोवाक जोकोविच। महिला की बात किया जाए तो फ्रेंच में महिला है बारबोरी क्रिशिकोवा, फ्रेंच में महिला में है बारबोरी क्रिशिकोवा, ये चेक गणराज्य की रहने वाला है। तो इसको आप याद रखेंगे, फ्रेंच में कौन है? तो पुरुष में होगा नोवाक जोकोविच और महिला में बारबोरी क्रिशिकोवा, तो इसको आप याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया में हो गया नोवाक जोकोविच, उसके बाद महिला में नोआमी ओसाका, और फ्रेंच में नोवाक जोकोविच, अब महिला में बारबोरी क्रिशिकोवा, एक चेक गणराज्य की। उसके बाद बात किया जाए विंबलडन ओपन, तो विंबलडन ओपन पुरुष में नोवाक जोकोविच, अब महिला की बात किया जाए तो एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तब विंबलडन और फ्रेंच, उसके बाद आ गया ऑस्ट्रेलिया, तीनों में पुरुष की बात किया जाए तो नोवाक जोकोविच है। विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच में पुरुष नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के रहने वाले हैं, ये तीनों ने जीता है। अब महिला की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में नोआमी ओसाका, उसके बाद फ्रेंच में बारबोली क्रिशिकोवा, अब विंबलडन में एशले बार्टी, तो इसको याद रखना है, एशले बार्टी विंबलडन में जीता है महिला में, अब पुरुष में नोवाक जोकोविच, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात किया जाए यूएस यानी अमेरिकन ओपन, ये लास्ट में होता है, वर्ष के सबसे लास्ट में होता है अमेरिकन ओपन। तो इसमें पुरुष की बात किया जाए तो पुरुष में डेनियल मेदवेद, तो डेनियल मेदवेद जो है ये रूस के रहने वाले हैं, इसने अमेरिका ओपन जीता है। अब किसको हराकर? तो नोवाक जोकोविच के हराकर डेनियल मेदवेद जो रूस के रहने वाले हैं ये जीता है। अब महिला की बात किया जाए तो एम्मा रदुकानू, एम्मा रदुकानू जो है ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ये अमेरिका ओपन जीता है। तो पुरुष में हो गया अमेरिकन में डेनियल मेदवेद और महिला में एम्मा रदुकानू, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ये चारों आपको याद रखना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, रिविज़न कर लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं, महिला की बात किया जाए नोआमी ओसाका जापान के रहने वाले, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन में हो गया नोवाक जोकोविच, नोआमी ओसाका। उसके बाद बात किया जाए फ्रेंच में, तो फ्रेंच में पुरुष में नोवाक जोकोविच और महिला में बारबोली क्रिशिकोवा, ये चेक गणराज्य के। विंबलडन में बात किया जाए तो पुरुष सेम रहेगा तीन गो में नोवाक जोकोविच, और महिला की बात किया जाए तो एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया के है, तो विंबलडन में महिला एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। वहीं यूएस और अमेरिकन की बात किया जाए तो पुरुष में है डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के रहने वाले हैं, जो नोवाक जोकोविच को हराया है। महिला की बात किया जाए एम्मा रदुकानू जो है ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। तो उम्मीद है सबको याद हो गया है, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।